सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार में परिवहन विभाग में वैकेंसी आने वाली है। बिहार परिवहन विभाग 804 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। नौकरी पाने वाले लोग को परिवहन पुलिसकर्मी का पद मिलेगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इनमें 496 मोबाइल पुलिस, 212 इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर और 90 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पद पर भर्तियां होंगी। बता दें कि पहले मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की भर्ती बिहार राज्य कर्मचारी चयन परिषद से होती थी, लेकिन इस बार बिहार लोक सेवा आयोग से इसकी बहाली होगी। परिवहन विभाग की योजना है कि अगले साल मार्च अप्रैल तक इन सारे पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, ताकि विधानसभा चुनाव के पूर्व इन नव नियुक्त उम्मीदवारों की तैनाती हो जाए। माना जा रहा है कि प्रक्रिया शुरू होते ही अगले महीने यानी अक्टूबर में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है। विभाग में पहली बार 496 चलंत सिपाही की भर्ती हो रही है। इसके लिए विभाग ने नई नियमावली बनाई है। केंद्रीय पुलिस चयन परिषद अगले माह भर्ती के लिए विज्ञापन निकालेगा। वाहन जांच के लिए पहले परिवहन विभाग होमगार्ड जवानों पर निर्भर रहता था। इस निर्भरता को खत्म करने के लिए विभाग ने चलंत सिपाही की बहाली का निर्णय लिया है। बिहार में 12 साल बाद एमवीआई की बहाली होगी। साल 2007 में एमवीआई की बहाली के लिए वैकेंसी आई थी। परिवहन विभाग ने एमवीआई की संख्या में भी वृद्धि की है। अभी एमवीआई के कुल 67 सृजित पद हैं, इनमें 36 ही कार्यरत हैं। इसके अलावा 59 नए पदों का सृजन किया गया है, यानी कुल 90 पदों पर बहाली होगी। बिहार में 12 साल बाद एमवीआई की बहाली होगी। बता दें कि नीतीश सरकार भी चाहती है कि बिहार परिवहन विभाग की बहाली जल्द से जल्द हो, जिससे अगले साल विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।